ये जो म्यूरियाटिक एसिड है ये एक एसिडिक ग्रुप की मेडिसिन है, और एसिडिक ग्रुप की मेडिसिन मोस्ट कॉमनली तब यूज की जाती है जब बॉडी में कमजोरी हो, यानी वीकनेस हो तब किसी न किसी एसिड ग्रुप की मेडिसिन इंडिकेटर होगी आपकी बीमारी में। तो यहां पे ये जो म्यूरियाटिक एसिड है इसको बोलते हैं स्प्रीट ऑफ साल्ट। इसके पीछे तर्क ये है कि ये जो बनता है म्यूरियाटिक एसिड, इसका फार्मूला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पेट में बनता है बायोलॉजिकल तरीके से, पेट में बनता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और 1.8 से लगभग 2 तक पीएच रहता है, पीएच इतना रहता है, तभी आपका डाइजेशन ठीक से चलता है। अब इमेजिन करिए कि अगर HCl ठीक से न बने तो डाइजेशन कमजोर होगा, तो बॉडी में कमजोरी आना स्वाभाविक है। तो इस म्यूरियाटिक एसिड को स्प्रिट ऑफ साल्ट बोलते हैं। HCl है और HCl केमिकल फार्मूला है। अब ये HCl बनता कैसे है, तो देखिए ये NaCl है, एक साल्ट है और एक दूसरा एसिड है H2SO4, ये दोनों मिलके बना लेते हैं HCl प्लस NaHSO4, इसीलिए इसको बोलते हैं स्प्रिट ऑफ साल्ट। साल्ट मतलब जो हम लोग बेसिकली खाते हैं वही NaCl है। तो NaCl रिएक्ट किया H2SO4 से, क्या बना दिया, HCl। तो इसीलिए HCl को, म्यूरियाटिक एसिड को स्प्रिट ऑफ साल्ट बोलते हैं। अब यूं समझिए कि स्प्रिट ऑफ साल्ट है, यानी बॉडी का इंटीग्रल कंपोनेंट है स्प्रिट बनाए रखने के लिए, एनर्जी बनाए रखने के लिए NaCl की जरूरत है। अगर NaCl अगर आप बाहर निकाल देते हैं, शरीर से पूरा NaCl अगर बाहर निकाल दिया जाए तो शरीर में एक बूंद भी पानी नहीं बचेगा। शरीर में लगभग 60% जो वाटर है, वाटर रिटेन इसीलिए है कि सोडियम क्लोराइड है। तो इसीलिए जो HCl को बनाने में सोडियम क्लोराइड की विशेषता है, कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिट ऑफ साल्ट। अब स्प्रिट ऑफ साल्ट है और आप समझ रहे हैं कि ये जो HCl है वो बनता कहां पे है, पेट में, और पेट में बनना जरूरी है ताकि डाइजेशन ठीक से हो सके। अगर HCl की मात्रा ठीक नहीं बनेगी, कमतर बनेगी, तो डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, और डाइजेशन नहीं होगा तो शरीर का पोषण नहीं होगा, कमजोरी आना स्वाभाविक है। कमजोरी कुछ इतनी ज्यादा है कि पेशेंट जब कुर्सी पर थोड़ी देर के लिए बैठता है, बिस्तर पर बैठता है, तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, इतनी ज्यादा कमजोरी है। और जब सोता है तो बिस्तर में नीचे की तरफ खिसक आता है। नीचे की तरफ खिसक आना करेक्टरिस्टिक्स है टाइफाइड का, टाइफाइड फीवर होता है तो बच्चा नीचे आ जाता है, या फिर बड़ा आदमी भी बिस्तर में खिसक के नीचे आ जाता है। तो खिसक के नीचे आ जाना एक करेक्टरिस्टिक्स है कि बॉडी कमजोर हो चुकी है। तो यहां भी कुछ इसी तरीके की है, बैठता है थोड़ी देर, आंखें बंद, निद्रा में आ जाता है, बिस्तर में सोता है तो नीचे की तरफ आ जाता है। इवन शरीर ही कमजोर नहीं है, इसका यूरिनरी ब्लैडर इतना कमजोर है कि इस यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब बाहर निकालने के लिए जोर लगाना पड़ता है, और जोर कुछ इतना ज्यादा लगाना पड़ता है कि उसी समय स्टूल भी पास होने लगता है, कुछ लोगों को प्रोलैप्सस हो जाता है, एनस ही बाहर आ जाता है। तो अब होता क्या है कि ब्लैडर कमजोर हो गया है, बार बार जोर लगाना पड़ रहा है पेशाब को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अगर आप जोर नहीं लगाते, दबाव नहीं डालते, तो देर देर आता है और बूंद बूंद आता है, उसके साथ साथ वेट करना पड़ता है, देर से आता है। तो यूं समझ लीजिए कि म्यूरियाटिक एसिड का जो करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से है कि बॉडी कमजोर है, एस्थेनिक टाइप है। एस्थेनिक टाइप मतलब हाथ पैर लंबे लंबे है, उस एवज में शरीर पर मसल्स नहीं है, मस्कुलर कमजोरी है, मसल्स वीक है, तो लीन थिन बॉडी है, जल्दी से थकान लग जाती है, कमजोर टाइप का है। कुछ इसी तरीके का स्फेयर ऑफ एक्शन है म्यूरियाटिक एसिड का। सिम्टम्स की अगर बात करें तो लिखा है डिजीज ऑफ एन एस्थेनिक टाइप। एस्थेनिक टाइप मींस हाथ पैर लंबे लंबे, छाती सकरी सी, और शरीर पर मांस कम है,
दूसरा करेक्टरिस्टिक्स देखिए लिखा है ग्रेट डेबिलिटी एज सुन एज ही सिट डाउन हिज आई क्लोज्ड। इतनी ज्यादा कमजोरी है कि बिस्तर पर लेटते ही या फिर कुर्सी पर बैठते ही 2 मिनट रेस्ट किया नींद आ जाती है, इतनी ज्यादा कमजोरी है। और लोअर जा हैंग डाउन स्लाइड डाउन इन बेड, ये जो निचला जबड़ा है ना ये अपने आप लटक जाता है कमजोरी की वजह से। अब बिस्तर पर सोता है तो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो नीचे की तरफ खिसक के नीचे आ जाता है। और यूरिन पास स्लोली ब्लैडर वीक, यूरिन धीरे धीरे पास होता है क्योंकि ब्लैडर कमजोर है, पूरी शरीर ही कमजोर है, ब्लैडर में कमजोरी कुछ ज्यादा है तो ब्लैडर वीक। वेट ए लॉन्ग टाइम टू प्रेस सो दैट एनस प्रोलैप्स्ड, धीरे धीरे आता है जोर लगाता है, जोर लगाने की वजह से ये प्रक्रिया काफी दिनों तक चलती रहती है तो जो एनस है जो रेक्टम है उसकी जो मसल्स है वहां भी कमजोरी आ जाती है तो एनस भी बाहर निकल जाता है जब पेशाब के लिए जोर लगाता है। तो इस तरह का सिम्टम्स है इसमें। कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग बाउल मूव एट द सेम टाइम, इतनी ज्यादा कमजोरी है ब्लैडर में कि उसी समय स्टूल की भी टेंडेंसी हो जाती है जब पेशाब लगती है, पेशाब के लिए जोर लगा स्टूल भी आ रहा है। और स्वॉलन ब्लू हेमरॉयड्स सेंसिटिव टू टच, जो हेमरॉयड्स है अब देखिए रेक्टम प्रोलैप्स हो जा रहा है तो अब प्रेशर बार बार लगा रहे हैं तो जो वहां की जो वेन होगी उसमें भी स्वेलिंग आ सकती है, सूजन आ सकती है तो वही हेमरॉयड्स है। तो स्वॉलन ब्लू हेमरॉयड्स सेंसिटिव टू टच, सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है दर्द करता है जलन हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं म्यूरियाटिक एसिड में। तो मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि म्यूरियाटिक एसिड की वजह से शरीर में कमजोरी क्रिएट हो गई है यानी डाइजेशन खराब होने की वजह से, तो पेट खराब तो शरीर की व्यवस्था खराब, तो कुछ इस तरह से है म्यूरियाटिक एसिड का स्प्रे अफेक्शन। लेने का तरीका सिंपल से है, आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर चले जाइए म्यूरियाटिक एसिड लीजिए 30 पावर की, इसकी 4 बूंद सुबह लीजिए सुबह जीभ पर 15 से 20 दिनों तक लीजिए। तो इस म्यूरियाटिक एसिड से जो कमजोरी है वो दूर होगी। तो काम की बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपना सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, किसी की जानकारी बढ़ेगी आप और उसका भला भी हो सकता है। थैंक यू।